हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जनरली जानेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो एक्सचेंज फिर एक बार कर दी है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के डेट फिर एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, जानेंगे कब तक अब आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एक नेक्स्ट अपडेट है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक और नोटिफिकेशन आया है कि आपको 12th के मार्क्स को लेके और एंट्रेंस एग्जाम के डेट को लेके लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, कल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लगभग 4 बजे एक प्रेस रिलीज जारी किया था जो आपके सामने है। प्रेस रिलीज में कहा कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो भी यूजी कोर्सेस हैं और पीजी कोर्सेस हैं, उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा रहे हैं। मतलब जब भी स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तो कर सकता है। इसके लिए हम 12 अगस्त अंतिम तिथि रख रहे हैं, मतलब 12 अगस्त तक लास्ट डेट है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना है वो भर सकता है। ठीक है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट का। उसके वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कि ऐसे छात्र जो फॉर्म भर चुके हैं, मतलब जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में आवेदन कर चुका है, ठीक है, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है क्योंकि यूपी बोर्ड और ये आईडी खोल के भर रहे हैं। ठीक है, तो ये आया था उनका मैसेज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे छात्र जो फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर दिया, अब उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप अपने 12th के मार्क्स अपडेट कर दीजिए। ठीक है, 12th के मार्क्स कैसे अपडेट करना है? ठीक है, सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के बाद आपको एडिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन करना होगा, फिर आपको जाके वहां पे क्लास 12th के मार्क्स अपलोड करने हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे मान लो सब्जेक्ट वाइज में सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद से आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, फिर आपको कितना गेन हुआ है, ठीक है, मार्क ऑब्टेन, फिर उसके बाद से आपको प्लस पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आ जाएगा वो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, आप जो भी भर दीजिए, जो भी आपके मार्कशीट में मार्क्स है उन सभी को आप भर दीजिए। ठीक है, उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप भर सकते हैं। इसके लिए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप अपनी आईडी खोल के 12 अगस्त तक अपने 12th के मार्क्स अपडेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस डेट को कहा है कि एंट्रेंस डेट 12 अगस्त, मतलब लास्ट डेट है हमारी। फिर 3 दिन हम पूरा एक एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद 15 अगस्त को हम बताएंगे कि आखिर कौन से दिन किसका एग्जाम कराएंगे। लेकिन एक एक्सपेक्टेड है बच्चों कि अगस्त 15 को अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो ये आपका पूरा जानते हैं कहां तक चला जाएगा, ये लगभग लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जाएगा, तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जाएगा तो यही मान के चलिए कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के जो डेट होंगे ना वो 25 अगस्त लेके लगभग 10 सितंबर तक जाएंगे। और ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट के जो एंट्रेंस डेट होगी बच्चों वो September 1st जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उधर अभी कई सारे कॉलेजेस ने पेपर नहीं कराया है। तो सरकार की भी एक गाइडलाइन आ गई है कि अगस्त लास्ट तक जितने भी कहीं के भी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके एग्जाम करा दिए जाए। ठीक है, ताकि वो फॉर्म भर सके। तो इसलिए इनको कहा गया है कि September 1st या 2nd वीक के पहले आप एंट्रेंस एग्जाम करा लीजिएगा, मतलब September 2nd में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमटीएम, ठीक है, एलएलबी, इन सब का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कब होगा बच्चों? September 1st के बाद होगा। ठीक है, September 1st के पहले नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट का जो होगा वो 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के पहले हो जाएगा। तो बच्चों यही सारी अपडेट थी। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का सिलेबस चाहिए तो आप कुछ भी मत करिएगा, गूगल पे जाइएगा, सीधा गूगल पे जाके यहाँ पे लिख दीजिएगा एलयू अपडेट। जैसे ही लिखेंगे एलयू अपडेट आ जाएगा आपके सामने पूरी वेबसाइट खोल के। वेबसाइट खोलते ही आपको यहाँ पे जाना है home.luupdate या यहाँ पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक एलयू एंट्रेंस 2020 का कॉर्नर आएगा, वहां हर डे की जानकारी 2022 एलयू क्या कर रहा है, कब कराने का विचार है, कैसे एंट्रेंस होगा, कब डेट बढ़ा, यहाँ पे सारी जानकारी एक साथ बच्चों में आप अपडेट करते रहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। बाकी यदि आप बीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीए और बीकॉम एंट्रेंस देना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो हमारे स्टडी मटेरियल भी अब अवेलेबल हो चुके हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है,
इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप अपनी पढ़ाई वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ नहीं पूछेगी जितना हमने दिया है बीए और बीकॉम में, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ध्यान रखिएगा इस बात का, इसी यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ, कई लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता पता है, कोई बीएचयू का पेपर आपको शेयर कर दे रहा है, तो कोई कहीं का, कोई आपको रीजनिंग पढ़ा रहा है, तो कोई आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा है, तो आप उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, वो कोई करंट अफेयर आपके काम आने वाला नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो एंट्रेंस का सिलेबस है, आप उसे पढ़िए। एंट्रेंस का सिलेबस नहीं मिल रहा है, आइए हमारी वेबसाइट पे, हम आपको देते हैं एंट्रेंस का सिलेबस, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या पूछेगा, एलयू एंट्रेंस कॉर्नर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे हमने पूरे आपके सिलेबस तक एक एक चीज अपडेट करके रखा है कि आपको कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों उन लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि उनका काम होता है व्यूज बढ़ाना, लेकिन मेरा काम होता है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। कई दिनों से मैं यूट्यूब पे आ नहीं पा रहा था, इसलिए असुविधाएं हो रही थी, यहाँ पे मैंने आपके सभी सिलेबस अपडेट कर दिया है बच्चों, जो सिलेबस ये